जिंगा लाला स्टोरीज। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। एक गांव में प्रदीप नाम का आदमी अपनी दूसरी पत्नी सुमन और दो बेटियां पूनम और प्रिया के साथ रहता था। प्रदीप की दूसरी पत्नी सुमन बहुत ही क्रूर थी। वो अपने दोनों बेटियों को मारा करती थी और कभी-कभी भूखा भी रखती थी। अरे ओ महारानियों, सुबह से तुमने ये काम भी खत्म नहीं किया क्या? जिंदगी भर यही काम करना है क्या? चलो इसे जल्दी कर दो, इसके बाद कपड़े भी धोने हैं। इतना खाती है और जरा भी काम नहीं होता। मौका मिले तो मुझे भी नमक लगा के खा जाए, भुक्कड़ कहीं की। पूनम को इस बात से गुस्सा आ जाता है। माँ, अगर आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगी तो हम आपके बारे में पिताजी को बता देंगे। हाँ, पिताजी को बताएंगी, वैसे भी तेरा बाप चूहे से कम नहीं है। फिर पूनम और प्रिया अपने कमरे में चली जाती हैं। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार ना होता। माँ कहाँ हो? माँ, सही कह रही हो पूनम दीदी, हमारी माँ हमारे साथ ऐसा नहीं होने देती। हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना होता, पर हमारे पापा भी हमारा साथ नहीं देते। पता नहीं क्या खिला दिया इस सौतेली माँ ने इनको। बहुत ज्यादा पर निकला है इन दोनों को, सबक सिखाना ही पड़ेगा। आज ही अपनी बहन रजनी को बुलाती हूँ। अगले दिन रजनी सुमन के घर पर आ जाती है और सुमन रजनी को सारी बातें बता देती है। सुमन बहन, ये तो विरोध की सुगंध आ रही है, जल्दी कुछ करो वरना ये तुम्हारे सर पर नाचेंगी और तुम्हें नौकरानी बना के रखेंगी। योजना के अनुसार जब पूनम और प्रिया सो रही होती है तब सुमन चुपचाप उनके कमरे में आती है और प्रिया को उठा के घर के बाहर कुएं के पास ले जाती है। तभी प्रिया जाग जाती है। माँ माँ, मुझे ये कहाँ ले आई हो और रजनी मौसी यहाँ क्या कर रही है? आज तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मुंह चलाती मेरी प्यारी बहना के आगे, बहस करेगी तू? ऐसा कहते रजनी उसे मारने लगती है और उसे कुएं में लटका देती है। माँ माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कभी आगे से बहस नहीं करूंगी। मुझे कुएं से बाहर निकालो माँ, मेरे हाथ छूट जाएंगे, मैं कुएं में गिर जाऊंगी माँ। हाँ, मजा आ गया। आज टंगे रहने तो थोड़ी देर और, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। तभी प्रिया का हाथ छूट जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। रजनी, अरे ये लड़की तो कुएं में गिर गई, ये जिंदा नहीं बचेगी। हाँ जा बचा ले, अगर तुझे तरस आ रहा है तो, मर जाने दे, वैसे भी तेरा एक दुश्मन ही तो कम हो रहा है। तभी रजनी और सुमन वहां से चली जाती है। अगले दिन प्रिया के न होने पर पूनम रोती रोती अपने पिताजी के पास चली जाती है। पिताजी, प्रिया दीदी कल से लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। ओ रुको प्रिया बेटी, मैं अभी देखता हूँ कहाँ है वो। तभी सुमन और रजनी वहाँ आ जाती है। इनके ड्रामे वापस से शुरू हो गए, जब देखो नया ड्रामा करती रहती है। चलो अब निकलो यहाँ से, काम करो। रात तक पूनम के न आने पर प्रिया रोने लगती है। पूनम दीदी, आप कहाँ चली गई दीदी? पहले तो माँ चली गई, अब आप। पापा तो पहले ही गुलाम थे माँ के। प्रिया दीदी कहाँ हो आप? जल्दी आ जाओ प्रिया दीदी। तभी प्रिया की आत्मा वहाँ आ जाती है और पानी में गिर जाने के कारण उसकी आत्मा बहुत डरावनी लग रही होती है। आप कौन हो और आप मेरे कमरे में कैसे आ गई? बहन, मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी बहन प्रिया हूँ। नहीं नहीं, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नहीं बहन, तेरी बहन पूनम ही हूँ, इन दुष्टों ने मुझे कल रात मार डाला। फिर चुड़ैल पूनम अपनी सारी रात वाली बात प्रिया को बता देती है। दीदी, इन दुष्टों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इन्हें मत छोड़ना। बहन, इन्हें अगर मुझे मारना ही होता तो कब का मार देती, पर मुझे इन्हें तड़पा कर मारना है। मेरी बहन मेरी बात सुन। तभी चुड़ैल पूनम प्रिया को सारी योजना समझा देती है। अगले दिन जब प्रिया काम कर रही होती है तभी वहीं रजनी आ जाती है। क्या हुआ महारानी,
आ जाएगी तेरी बहन, चल घर के काम कर जल्दी। कर तो रही हूँ, अब क्या मशीन बन जाऊँ। तभी रजनी को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पूनम चुड़ैल रजनी के अटंगी डाल देती है, जिससे रजनी नीचे गिर जाती है। अरे मर गई रे ये मेरी कमर, मेरे तो कुल्ले टूट गए, ये मेरे किसने अटंगी डाल दी, ये सब तेरे कारण हुआ है लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी वहां पर सुमन आ जाती है। अरे रजनी बहन तुम कैसे गिर गई, चलो मेरे साथ चलो अपने कमरे में। उधर सुमन रजनी को अपने कमरे में लेके जाती है। रात को प्रिया पूनम चुड़ैल से बातें करती है। दीदी क्या सबक सिखाया आपने उस दुष्ट को, तुझे ऐसा देखकर मुझे कितनी खुशी होती है मेरी बहन, पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ के जाना होगा मुझे। नहीं बहन, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, बहन पहले माँ चली गई और अब तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं। ऐसा कहते ही प्रिया पूनम चुड़ैल से लिपट जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुमन प्रिया को अपने पास बुलाती है और पूछती है, ओरे प्रिया सच सच बता, रजनी नीचे कैसे गिरी, कल रात तेरे कमरे से आवाज आ रही थी, क्या चल रहा है इस घर में। पर प्रिया उसे कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तभी उधर पूनम चुड़ैल रजनी का टूटा हुआ पैर पकड़ लेती है। क्या हुआ रजनी मौसी, बहुत दर्द हो रहा है ना। हाँ री बहुत दर्द हो रहा है, पर तुम हो कौन, मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है। क्यों रजनी मौसी, मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बेटी पूनम हूँ। नहीं नहीं तुम जिंदा कैसे हो गई, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। हम चुड़ैल हैं मौसी, इंसान नहीं जो झूठ बोलेंगे। चलो वैसे भी आपका टाइम खत्म हो गया है। तभी ऐसा कहते हुए पूनम चुड़ैल उसे कुएं के पास ले आती है और उसे कुएं में डाल देती है। तैरना न आने के कारण रजनी वहीं डूबकर मर जाती है। अगले दिन रजनी को न पाने पर सुमन आग बबूला हो जाती है। बता प्रिया मेरी बहन कहाँ है, तुझे पता है मेरी बहन के बारे में, बता वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे तुम ये क्या कर रही हो, इस बच्ची को क्या पता तुम्हारी बहन कहाँ गई। ओहो मेरे रास्ते से हटो, कल रात इसके कमरे से हंसने की आवाजें आ रही थी और कल रात से ही मेरी बहन गायब है, बता वरना तेरा गला दबा दूंगी। सुमन प्रिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पूनम चुड़ैल वहां आ जाती है। ओहो चुड़ैल तो मैं हूँ माँ, तुम चुड़ैल जैसी हरकतें क्यों कर रही हो, और रही प्रिया को मारने की बात, अगर प्रिया को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें यही मार दूंगी। कौन हो तुम, तुम्हारी आवाज तो पूनम जैसी लग रही है। सही कहा, पूनम ही तो हूँ जिसे तुमने कुएं में डालकर मार दिया था। ऐसा कहते हुए पूनम चुड़ैल सुमन को उठा लेती है और कुएं में लटका देती है। बहन बहन छोड़ दो इसे, ये कैसी भी हो पर हमारी माँ ही तो है। पूनम चुड़ैल प्रिया की एक नहीं सुनती और सुमन को कुएं में डुबाकर मार देती है। बेटी मुझे माफ कर दो, अब से मैं प्रिया का पूरा ख्याल रखा करूँगा। तभी वहाँ से पूनम मुक्त होके चली जाती है और प्रदीप प्रिया का अच्छे से ख्याल रखने लगता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। जिंगा लाला स्टोरीज। तो दोस्तों ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए।